हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और भाई शाम के 7 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है। आपको पता है कि टाइम एंड वॉक शुरू हुआ है स्टडी 91 पे शुभम सर के द्वारा, तो उस टाइम एंड वॉक की बात कर लेते हैं जरा। तो आज हमें जो टाइम एंड वॉक पढ़ना है उसकी, इस टाइम एंड वॉक की मैं आपसे बात करूं तो इस टाइम एंड वॉक का आज पार्ट 2 है, यानी कि आज हम दूसरी क्लास देखने वाले हैं। भाई आज दूसरी क्लास देखने वाले, बहुत ही मजा आएगा आप सभी को पूरे सेशन के अंतर्गत। टॉपिक का नाम यहां पे लिखा हुआ है कार्य छोड़ने तथा शेष कार्य पर आधारित प्रश्न, मतलब कि लिविंग वर्क और रिमेनिंग वर्क पे बेस क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार सी क्लास होने वाली है। मैं होप कर रहा हूं कि आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो भाई, मेहनत करो, जम के मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन आपको जॉब जरूर मिलनी है। ठीक है, ठीक है, आप लोग मेहनत करने से बिल्कुल पीछे मत भागा करो। रोज क्लास आती है, रोज पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ाई करो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो मैथ्स की प्रैक्टिस करो, इसीलिए क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी मैथ और अच्छी होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही ना? तो लिविंग वॉक पे हमें आज बात करनी है। हमें किस पे बात करना है? लिविंग वॉक पे बात करना है कि कार्य छोड़ने पर कैसे कैसे सवाल आते हैं। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया। इस टॉपिक में भी मजेदार सी चीज मिलती है आगे चल के, वो सारी चीजें मिलेंगी। हम एक से एक ट्रिक भी सीखने वाले हैं, सब कुछ देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है भैया, तो जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो, सभी को बता दो कि शुभम सर की क्लास आ चुकी है, शाम के 7 बज चुके हैं, यानी कि थोड़ा सा भी डिले नहीं करना है आपको। बात समझ में आई? बाकी आप लोग ये काम स्टार्टिंग में ही कर दिया करो। कौन सा काम? एक लाइक वाला काम और दूसरा शेयर वाला काम। अगर ये काम आप स्टार्टिंग में कर देंगे तो हमें भी पढ़ाने में मजा आता है जब वॉचिंग ज्यादा दिखती है। तो बात समझ आ रही ना? तो क्लास शुरू करते हैं। पहली सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पर आज आपको ये मेरे सारे सवाल आराम से मिल सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे तो वहां पे भी ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है भैया, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी कैन डू ए वॉक इन 6 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड हाउ मेनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला है? ए और बी ने एक कार्य को 6 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। काम को खत्म करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ऐसा आपसे सवाल में बोला गया है। चलो लगाते हैं, अगर ऐसा बोला गया है, सबसे पहले कल की क्लास जो हमारे टाइम एंड वर्क की बेसिक क्लास थी, पहली क्लास थी, तो उस क्लास को समझना और देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जितने लोग भी कल की क्लास नहीं देखे हो, कल की क्लास जरूर देखना एक बार मेरे भाई, कि कल की क्लास आप नहीं देखोगे तो आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। कल वाली क्लास का ही सारा मेथड हमारी आज की क्लास में भी लगने वाला है। ठीक है भैया, बेसिक जो आपको बताया था वो कल की क्लास में बताया था। अब देखो, यहां से मैं आपसे बात करूं कि ए और बी की बात है, तो ए और बी को ले लेते हैं जरा हम। तो देखो, ए कर रहा है कितना दिन में? देखो कल जो मैंने आपको सिखाया था, 6 दिन में कर रहा है। बी कर रहा है कितना दिन में? 12 दिनों में कर रहा है, यानी बी कर रहा है आपको 12 दिनों में। ठीक है भैया, इनका बताओ एलसीएम कितना आएगा? 6-12 का लस बता दो, इनका लस बता दो कि 6-12 का लस कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 12 आएगा, यानी ये 12 नहीं 12 यूनिट है। ठीक है, 12 यूनिट है। अब यहां से हम इनका पर डे यूनिट वर्क निकालेंगे, 6 से काट देंगे तो 2 बार और 12 से काट देंगे तो 1 बार, यानी इनका पर डे यूनिट वर्क या फिर इफिशियंसी आप कह सकते हैं, जो कि 1 और 2 का आया है पर डे यूनिट वर्क। इतना काम तो कल से आप करते आ रहे हैं, इतना काम तो आप कल से करते आ रहे हैं, इसमें कुछ अलग थोड़ी किया आपने। अब चलो आगे देखते हैं जो सवाल में कहा गया है। आपसे क्या कहा है? देखो आपके पास टोटल काम कितना है? 12 यूनिट है। टोटल काम आपके पास कितना है? 12 यूनिट है। ये टोटल काम है, इसी को बोलते हैं टोटल वर्क, TW। टोटल वर्क है आपके पास 12 यूनिट, जो कि लस का आया 6 और 12 का। आपसे क्या बोला है? उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका क्या मतलब है मेरे भाई? कि दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया होगा। क्या इसका यह मतलब नहीं है? जल्दी बताइए, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन के बाद काम ए ने छोड़ दिया, इसका मतलब है कि दोनों ने मिलकर एटलीस्ट 3 दिन तक काम तो किया ही होगा।
तीन दिन तक काम तो किया ही होगा। अच्छा बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ये ए वाला करता है 2 की एफिशिएंसी से और बी वाला करता है 1 की एफिशिएंसी से, यानी कि एक दिन में दोनों मिला के कितना करते हैं? तो इसका 2 काम इसका 1 काम यानी 3 दिन करते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि ए प्लस बी ने स्टार्टिंग के 3 दिनों तक काम किया। अगर ए प्लस बी ने स्टार्टिंग के 3 दिनों तक काम किया तो 2 1 3 यानी कि 2 + 1 ने 3 दिन तक काम किया, यानी कि 3 × 9 यूनिट काम इन्होंने फिनिश किया। 12 यूनिट काम में से 9 यूनिट यहां काम यहां पे इन्होंने 2 दिन में खत्म कर दिया, यानी कि अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 12 में से 9 को घटा देंगे, अभी भी 3 यूनिट का काम बचा हुआ है। 3 यूनिट का काम क्या है? शेष काम है, रिमेनिंग काम है भैया। 3 यूनिट का काम शेष काम है। आगे क्या कहा है कि ए ने कार्य को लेफ्ट कर दिया, ए ने कार्य को लेफ्ट कर दिया मतलब ये कार्य छोड़ दिया, मतलब ये जो 9 यूनिट काम था इन दोनों ने मिलके किया, उसके बाद कहा ए कि मैं अब नहीं करूंगा, ए ने काम छोड़ दिया, कोई कारण रहा होगा, छोड़ दिया। तो ठीक है, कौन बचा? अगर ए ने काम छोड़ दिया तो बच कौन गया, जल्दी बताओ? अगर ए ने छोड़ दिया तो बी बचा होगा, यानी कि ये जो शेष काम है, जो रिमेनिंग काम है, इसको बी ने कंप्लीट किया होगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? बी की एफिशिएंसी है 1 के हिसाब से, यानी कि वो इस 3 काम को एक दिन में करेगा। वो 1 के हिसाब से 3 काम को कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा भैया, 3 दिन में करेगा। आपसे पूछा था टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो देखो 3 दिन इन्होंने काम किया है और शेष काम को बी ने 3 दिन काम किया है, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम टीटी, टोटल टाइम कितना हो गया? 6 डेज, यही आपसे पूछा था, तो इसका आंसर बन जाएगा 6 डेज। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एकदम शानदार सा मेथड भैया, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं, ऐसे ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं भैया। देखो ध्यान से, ए और बी एक काम को क्रमशः 6 और 12 में करते हैं, एकदम बेसिक वाला सवाल समझो, आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। ये 6 में करता है, ये 12 में करता है, दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 12 यूनिट काम किया, दोनों ने मिलकर 6 12 का लस 12 यूनिट। तो पर डे यूनिट वर्क निकालेंगे तो 6 × 12 = 12 यानी 2 और 1 का आ गया पर डे यूनिट वर्क, 2 और 1 का आ गया पर डे यूनिट वर्क। अब देखो यहां से टोटल काम है 12 यूनिट, आपसे कहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए ने 3 दिनों तक काम तो किया ही होगा ना, यानी 3 दिनों तक ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 1 मिला के 3 काम करते हैं, 3 दिन में 9 काम किया होगा, 12 में से 9 काम इन्होंने फिनिश कर दिया है। कितना काम बचा है? अभी भी 3 काम बचा है और ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि बी अभी भी बचा हुआ है। तो इस 3 काम को करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा भैया, इस 3 काम को करने के लिए बी आएगा, क्योंकि ए तो काम छोड़ दिया है, तो इस 3 काम को बी करेगा। बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 3 काम करने में 3/1 यानी उसे 3 दिन लग जाएगा। आपसे पूछा है टोटल समय काम खत्म करने में कितना लगा है, टोटल समय आपसे पूछा है। तो यहां पे देखो, पहले 3 दिन दोनों ने मिलके काम किया है और लास्ट का जो काम बचा है वो बी ने 3 दिन का किया है, यानी टोटल मिला के कितना आता है? 6 दिन। और यही आपसे पूछा था कि टोटल कितना दिन में काम खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो 6 दिनों की आवश्यकता होगी। अब इसी को देखो एक और तरीके से हम लगाते हैं, शानदार तरीका से, मैं वो भी आपको बता देता हूं। सुनो, एकदम शानदार से ट्रिक बता रहा हूं कि आप तुरंत इसको और आसानी से कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। यहां से देखो टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है? 12 यूनिट का, 12 यूनिट का टोटल काम है। 3 दिन बाद ए काम छोड़ दे रहा है, आपसे क्या बोला, 3 दिन के बाद कौन काम लेफ्ट कर रहा है? ए काम लेफ्ट कर रहा है 3 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ रहा है, हम उसको नहीं छोड़ने देंगे, कहेंगे ठीक है उसका काम छोड़ दो। देखो ए ने 3 ही दिन काम किया होगा ना, ए ने 3 ही दिन काम किया होगा। अच्छा बताओ ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। शानदार से ट्रिक देख रहे हो, ठीक है ना, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 3 दिन बाद काम छोड़ा है, तो कितना काम किया होगा 3 दिन में? एक दिन में 2 यूनिट काम, तो 3 दिन में 6 यूनिट काम ए ने किया होगा। ये ए का है, किसका है? ए का काम है 6 यूनिट, नहीं करके भाग रहा है ना, उसको निकाल दो, लात मारो, बोलो भाग जाओ बाहर, यानी 12 में से 6 यूनिट घट गया, तो 6 यूनिट किया है। जो ए 3 दिन काम करके छोड़ रहा था, आपने उस ए के 3 दिन के काम को भी हटा दिया। हाँ भैया, हम तुमसे काम ही नहीं करवाएंगे, तुम काम चोर किस्म के आदमी हो, तुम 3 दिन में काम छोड़ के भाग रहे हो, हमें तुम जैसे आदमियों की जरूरत नहीं, और तुमने डायरेक्ट उसको लात मारा और बाहर कर दिया।
बात समझ में आ रही है, यानी कि 12 यूनिट का टोटल काम था, लेकिन ए वाला जो पर्सन था वो 3 दिन के बाद काम छोड़ के भाग रहा था। तो मैंने कहा मैं तुमसे 3 दिन का भी काम नहीं करवाऊंगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में 2 तिहाई 6 यूनिट काम करेगा। इस 6 यूनिट काम के साथ ए को लात मार के भगा देंगे, यानी कितना काम बचा है अभी भी आप बताओ। 12 यूनिट टोटल काम था, 6 यूनिट ए ने किया था, ए को आपने हटा दिया, यानी 6 यूनिट काम बचा। अच्छा बताओ, ए के काम को तो आपने हटा दिया है, तो इस काम को करेगा कौन? यानी कि जो ए का काम था वो हट गया, तो इस काम को करेगा कौन? इस काम को तो बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है, तो 6 काम करने के लिए उसे कितना दिन लग जाएगा? 6 डेज लग जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये दूसरा अल्टरनेट मेथड है जो आपको आंसर ला के देगा 6 डेज। बात समझ में आ रही है? बताओ है ना एकदम शानदार सी ट्रिक? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। देखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूं। टोटल आपको 12 यूनिट काम पता है, ये 12 यूनिट काम आपको पता है, ठीक है भैया। ए कह रहा है कि वो 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर कोई कहे कि इतना दिन बाद 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 बाद, अगर सवाल में बाद दिया हो तो उसके काम के साथ उसको भगा दो, यानी उसके काम को घटा दो, अगर सवाल में बाद दिया है तो। अब जैसे इस सवाल में क्या बोला है कि 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया है, तो ए को 3 दिन के काम के साथ निकाल दो। ए का एक दिन का काम कितना है? ए का एक दिन का काम है 2 यूनिट, तो 3 दिन का काम कितना होगा? 2 तिहाई 6 यूनिट। 12 यूनिट टोटल काम था, इसमें से ए के काम को हटा दिया, यानी 6 के काम को हटा दिया। ए को तो आपने भगा दिया ना, ए को तो आपने भगा दिया, जो काम बचा है उसको अकेले केवल बी करेगा, यानी केवल 6 काम रहा होगा करने के लिए। यानी कि बी एक दिन में एक काम करता है, तो 6 काम करने के लिए बी को लगेगा 6 दिन। समझ में आ गया? तो फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक साथ में काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा? यही आपसे बोला, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये वाला भी। चलो देखते हैं ध्यान से। देखो हम टाइप वाइज आपको पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स करके सारे सवाल एक ही क्लास में तुम्हें सब सब बता दें। जैसे बाकी लोगों की देखते हो तो तुम्हें लगता है अरे भाई इन्होंने तो टाइम एंड वर्क में इतना अच्छे अच्छे टफ टफ सवाल कराए। अरे आप में भी हर लेवल के सवाल होंगे, लेकिन वो टाइप वाइज होंगे, इकट्ठे एक ही क्लास में नहीं कि एक सवाल उसका डाल दिया, एक सवाल इस टाइप का डाल दिया, एक सवाल उस टाइप का डाल दिया, ऐसा काम नहीं करना। देखो क्या दिया है, आज हम क्या टाइप पढ़ रहे हैं? काम छोड़ने वाले, लीविंग वर्क छोड़ रहे हैं या रिमेनिंग वर्क छोड़ रहे हैं। तो आज हम सिर्फ उसी टाइप के सारे सवालों को देखने वाले हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये ए कर रहा है 18 दिन, बी कर रहा है 24 दिन। चलो देख लो, ए कर रहा है 18 दिन और बी कर रहा है 24 दिन। एलसीएम बताओ 18 24 का, 18 24 का लस आएगा 72, 18 चौक 72 और 24 तिहाई 72, 3 और 4, 4 और 3 आ गया, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 8 दिनों तक एक साथ काम किया, पहले मेथड से देखो, पहला मेथड टोटल काम है 72 यूनिट, उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, यानी कि अगर वो एक साथ काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? 4 और 3 मिलके 7 काम करते हैं एक साथ। 8 दिन तक काम किया मतलब 8 × 7 = 56 काम किया। ये कैसे आया? तो 7 × 8 दिन काम किया है ना, ये 8 दिनों तक काम किया दोनों ने मिलकर, तो 8 × 7 = 56 काम कर दिया। कितना काम बचा है? 6 इधर और 1 उधर, मतलब कि 16 काम अभी भी शेष काम है। क्या है भैया? शेष काम है अभी भी 16। उसके बाद ए ने कार्य को लेफ्ट कर दिया, कौन छोड़ दिया काम को? ए ने छोड़ दिया। तो बचाओ कितना काम बचा हुआ है? 16 काम बचा हुआ है। ए ने काम को छोड़ दिया मतलब इस काम को करेगा कौन? बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, यानी कि 3 यूनिट के हिसाब से काम करेगा। 16/3 का मतलब 5 सही 1/3 दिन, 5 सही 1/3 दिन बी को लग जाएगा शेष काम को करने में। आपसे क्या बोला है? बचा हुआ काम, खाली बचा हुआ आपसे काम बोला है, पूरा समय नहीं पूछा है। अगर पूरा समय पूछता तो ये वाला दिन प्लस में ये वाला 8 दिन मिला के हम आंसर बताते, लेकिन आपसे सवाल में केवल बचा हुआ समय पूछा है, तो बचा हुआ समय तो यही है, बचा हुआ काम यही है, 5 सही 1/3 दिन। बताओ एकदम आसान सवाल है कि नहीं? बताओ एकदम इजी से ट्रिक है कि नहीं? एकदम लग रहा है एकदम आसानी से? देखो फिर से बता देता हूं, यहां तक की प्रोसेस तो कल की क्लास में तुमने सीखा है,
पर डे यूनिट वर्क कैसे निकालते, इफिशियंसी कैसे निकालते, सारी चीजें आपको कल की क्लास में मैंने सिखा दिया है। अब यहां से देखो, आपके पास टोटल था 72 यूनिट का काम, टोटल था 72 यूनिट का काम। कह रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया, यानी वो जब वो एक साथ काम करते हैं तो ए करता है 4 काम, बी करता है 3 काम, यानी एक साथ काम करे तो 7 काम करेंगे। इस तरह से उन्होंने 8 दिन काम किया तो 7 काम के हिसाब से 8 दिन का आंसर 8×56 होता है। तो यहां से इसको घटाएंगे क्योंकि ये काम तो इन्होंने कर दिया, तो कितना काम बचा, टोटल 72 काम था जिसमें से 56 काम इन्होंने कर दिया, तो यानी 16 काम अभी भी बचा हुआ है। इस 16 काम को अब कह रहा है कि ए ने कार्य को लेफ्ट कर दिया, मतलब अब ए काम छोड़ देगा तो इस 16 काम को करेगा बी, यानी कि बी करेगा 16 काम को, बी कर रहा है 3 के हिसाब से, तो 16/3 आंसर 5/1/3 दिन आ जाएगा। बताओ है ना शानदार सी ट्रिक, जल्दी बताओ मजा आ गया इस सवाल को देख के, तो कमेंट सेक्शन भर दो कि हाँ सर मजा आ गया है। और ईमानदारी से अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दो भैया, और हर जगह शेयर कर दिया करो क्लास को, यार इतना तो काम कर दिया करो। तुम्हारे लिए स्टडी 91 पूरी तरह से चल रहा है, तो कम से कम तुम भी तो कुछ काम करो। चलो दूसरा मेथड देखो, दूसरा तरीका बता रहा हूं। 72 काम था, वैसे इस मेथड से भी आपका काम हो जाने वाला है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो 72 काम था, देखते हैं आगे। 72 काम में से 8 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया। ए कह रहा है कि मैं 8 दिन के बाद काम ना करूंगा। तुमने कहा मुझे ऐसे इंसान की जरूरत ही नहीं है जो काम शुरू करे और 8 दिन बाद कहे काम ही नहीं करना, उसको तुम कह दो कि तुमसे काम ही नहीं करवाना। यानी ए का 8 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम कितना है 4, तो 8 दिन का काम 32 काम, 32 काम भगा देंगे। 32 काम ए का काम है ना, 8 दिन का काम ए का काम है, 32 काम इसको निकाल देंगे, कितना बचा 40 काम अभी भी बचा है। इसको कौन करने वाला है, बी करने वाला है। कौन करने वाला है भैया, बी करने वाला है। बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, यानी इसको कितना दिन लग जाएगा 40/3 दिन लग जाएगा। अगर आपसे पूरा काम पूछता तो उसका आंसर 40/3 दिन होता, लेकिन आपसे तो शेष काम पूछा है ना, आपसे कौन सा काम पूछा है, शेष काम पूछा है, तो 40/3 इज द नॉट ए राइट आंसर। क्यों, ये बचे हुए, ये टोटल समय आता है। जब भी कभी आप इस मेथड से लगाओगे तो इससे हमेशा टोटल समय आएगा, और जब भी कभी इस मेथड से लगाओगे तो इससे हमेशा बचे हुए काम के लिए लगाता है। तो जो आपको चाहिए उस मेथड से आप लगा सकते हो। ये आपका क्या आया है, टोटल समय आया है, कि टोटल काम करने में इसको इन लोगों को 40/3 दिन लगा था। अब इसमें से एक बात बताओ, इसमें से 8 दिन काम तो बी उधर भी किया होगा ना, ए के साथ 8 दिन काम बी ने किया होगा, यानी इसमें से 8 घटा दो तो शेष काम आ जाएगा। 40/3 में से 8 घटा देंगे, 8×3=24, 16/3 यानी कि 5/1/3 ये बचे हुए काम के लिए आंसर आ जाएगा। बचा हुआ काम अगर पूछेगा तो टोटल में से जो काम यहां हो चुका है उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। देखो फिर से देखो, देखो 72 यूनिट का टोटल काम है। ये वाला मेथड तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। अगर टोटल पूछता, सपोज करो कि इस सवाल में क्या पूछा है, इस सवाल में पूछा है बचा हुआ काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, आपसे डायरेक्टली बस यही पूछा है, तो बचा हुआ काम तो यही आंसर आएगा, 5/1/3 दिन बचे हुए काम का तो यही आंसर आएगा। परंतु परंतु आगे देखो, अगर मान लो आपसे पूछता कि टोटल, यहां बचा हुआ की जगह पूछता कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो ये 5/1/3 दिन तो इस काम के लिए आया है, बाकी ये भी तो काम हुआ है, यानी 8 दिन और काम हुआ, तो इसमें 8 दिन और जोड़ना होता तब आता 40/3 दिन ये। अब जब इस मेथड से करते हो तो बचा हुआ काम डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन जब आप इस मेथड से करते हो, इस मेथड से कैसे कर रहे हो, 72 यूनिट का टोटल काम था जिसमें से ए 8 दिन काम करके भाग रहा था, मैंने उसको काम के साथ भगा दिया, यानी कि 8 ए कर रहा है 1 दिन में 4 काम, तो 8×32 काम करेगा ए, ए को हमने हटा दिया, यानी उसका 32 काम हटा दिया, 40 काम बचा है। ए को आपने हटा दिया यानी कि बी बचा हुआ है, इस 40 काम को करेगा बी, 40 एक काम को करने में 3 के हिसाब से करता है, यहां पे 3 है उसकी इफिशियंसी, तो 40/3 दिन उसे लग जाएगा। ये जो समय है पूरा समय है, आपको चाहिए क्या, बचा हुआ समय चाहिए। बचा हुआ समय निकालने के लिए इस 40/ पूरे समय में से जो 8 दिन का काम ऊपर हुआ है उसको घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। दो दिनों तक वे साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा, बचा हुआ पूछा है। पहले मेथड से लगाओ, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो देखो भैया, ए कर रहा है कितना में, 12 दिन में, बी कर रहा है कितना में, 18 दिन में। एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा, यानी कि 12 तिहाई 36 और 18 दुनी के 36, ये इनका पर डे नेट वर्क या फिर इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब देखो सवाल को लगाना एकदम आसान है, यहां से देखो टोटल काम है 36 यूनिट, टोटल काम है 36 यूनिट, आपसे क्या कह रहा है, दो दिनों तक वे साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। दो दिनों तक वो साथ में काम करते हैं, दो दिन तक साथ में काम किए हैं, यानी कि दो दिन तक साथ में काम किए तो कितना काम किए हैं बताओ, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तीन और दो मिला के पांच काम, तो दो दिन में 10 काम कर रहे हैं, 10 काम करते हैं, उसके बाद किसने छोड़ दिया, उसके बाद किसने छोड़ दिया आप बताओ, ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ये उनके दो दिन का काम है, एक दिन का काम पांच है, इस तरह से दो दिन का काम किसका, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का दो दिन का काम है, दोनों ने मिलकर कहा है ना दो दिन तक वे साथ में काम करते हैं, यानी कि ए और बी ने मिलकर दो दिन काम किया, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तीन काम, ये दो काम, ये तीन दो मिला के पांच काम करते हैं, तो यहां से पांच दुनी के 10 काम ये कर देते हैं, तो 10 काम इनका माइनस कर देंगे। ठीक है भैया, 10 काम हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, तो आप कहोगे सर 26 काम अभी भी बचा हुआ है। ए ने तो कार्य लेफ्ट कर दिया है, ए ने कार्य छोड़ दिया है, तो इस 26 कार्य को कौन करेगा, बी करेगा, यही आपका रिमेनिंग वर्क है, यही आपका शेष कार्य है 26, इसको करेगा बी। बी एक दिन में कितना काम करता है, दो यूनिट काम करता है, तो 26 के हिसाब से वो कितना दिन में करेगा काम, 13 दिन में, यानी कि शेष काम करने में उसे 13 दिन लगेगा। आपसे पूछा क्या है कि बचे हुए काम को बी कितना दिन में करेगा, तो भैया 13 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, एकदम आसान है भैया सवाल, ये सब चीजें बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी वे में करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे लगाना और क्या करना है। आगे देखते हैं, आगे देखो क्या बोला है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले, मतलब इस बार काम खत्म होने के पहले की बात कर रहा है, बी ने काम छोड़ दिया, इस बार पहले वाला सवाल आ गया है। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं, यहां से देखो ए कर रहा है 18 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, एलसीएम कितना आएगा, तो आपको हो गया 36, यहां से हम इनका पर डे वर्क लेंगे, 18 दुनी के 36, 12 36, यानी कि पर डे यूनिट वर्क जो आया इनका वो कितना आया, 2 और 3 का, पर डे यूनिट वर्क कितना आ गया, 2 और 3 का। अब आगे बढ़ते हैं, जो सवाल में कहा है वही काम करते हैं। यहां से देखो टोटल काम है 36 यूनिट, कितना है टोटल काम, 36 यूनिट है टोटल काम। अब क्या बोला है, उन्होंने एक साथ काम शुरू तो किया, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अच्छा, काम खुद खत्म होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया है, मतलब जैसे काम खत्म होने वाला था, बी ने कहा कि अब मैं ना कर पाऊंगा भैया, हमारा हो गया। ठीक है, यानी काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया है। इसका मतलब अगर बी ने कार्य छोड़ दिया है काम खत्म होने के 3 दिन पहले, तो उन 3 दिनों में काम किया कौन होगा, बी ने तो छोड़ दिया, तो कौन किया होगा, ए किया होगा। कौन किया होगा भैया, ए किया होगा, यानी कि उस लास्ट के 3 दिनों में ए काम किया होगा। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ये कैसे आया है, ए का एक दिन का काम है 2 और इसने 3 दिन काम किया है, तो ये ए का है, ए का है, कितना है, ए का एक दिन का काम है 2 और इसने 3 दिन काम किया, इसलिए 6 आ गया है। ठीक है भैया, 6 काम ए ने किया होगा, उसके काम को आपने माइनस कर दिया, यानी कितना काम बचा, 30 काम, जब बी ने छोड़ा था उसके बाद ए ने खाली 6 काम किया होगा, यानी कि 30 काम अभी भी बचा हुआ है, 30 काम अभी भी बचा हुआ है। इस काम को तो, ये कौन सा काम है, ये तो बी के रहने वाला है ना, यानी इस काम को किसने किया होगा, इस काम को ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा भैया, ये स्टार्टिंग वाला रिमेनिंग काम है, स्टार्टिंग वाला,
ठीक है ना। स्टार्टिंग वाला रिमेनिंग काम है जिसको ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, दो और तीन मिलकर पांच यूनिट के हिसाब से, यानी कितना दिन लगेगा, छह दिन में इन्होंने काम खत्म किया होगा। आपसे क्या पूछा है कि कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हो गया, आपसे यह पूछा है कि कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हो गया। यहां देखो, ये तीन दिन तक तो ए ने भी काम किया है, तीन दिन तक ए ने काम किया है और ए और बी ने मिलकर छह दिन काम किया है, तो कुल मिलाकर टोटल टाइम आपसे पूछा है टीटी, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, नौ दिन आ जाएगा। तो नौ दिन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, नाइन डेज। बताओ बताओ समझ में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर से देखो बता रहा हूं, टोटल काम है आपका कितना, 36 यूनिट। कितना है भैया, 36 यूनिट है आपका टोटल काम है 36 यूनिट। अब आगे आपसे जो कह रहा है बस वही करते चले जाओ, बाकी कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपसे बोला 36 यूनिट काम है, लेकिन सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है, कहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन इस बार डायरेक्ट काम समाप्ति पे चला गया है। काम खत्म होने से तीन दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि लास्ट के तीन दिन से पहले बी ने कार्य को लेफ्ट कर दिया था, यानी कि उस लास्ट के तीन दिन के काम को ए ने किया होगा। किसने किया होगा, ए ने किया होगा मेरे भाई, यानी कि ए ने तीन दिन तक काम किया होगा, जो लास्ट का तीन डेज था वो ए ने किया होगा, लास्ट का जो तीन दिन था उसको ए ने किया होगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो ए एक दिन में दो काम करता है, एक इफिशियंसी है दो, एक दिन में दो काम करता है, तो ए ने तीन दिन तक कितना काम किया होगा, दो तिहाई, छह यूनिट। पूरा काम में से ए का काम जो छह दिन का था वो लास्ट के तीन दिन का था, उसको हमने हटा दिया, यानी तीस काम बचा हुआ है। ये छह काम कौन से आए, जब बी ने छोड़ दिया, खाली ए किया था, मतलब ये केवल ए का काम है लास्ट के तीन दिन वाला। जो ये तीस काम बचा है इसको दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था, यानी कि इस तीस काम को दोनों ने मिलकर किया रहा होगा, यानी तीस काम को दोनों मिलकर कितना करेंगे, दो काम ये करेगा, तीन काम ये करेगा, तो दो तीन मिला के पांच काम करेंगे, तो पांच के हिसाब से इन्हें छह दिन लगा होगा पूरा काम करने में। आपसे पूछा टोटल समय, छह दिन इन्हें लगा है और बाकी के तीन दिन ए को लगा है, यानी कुल मिलाकर नौ दिन हो गया होगा। देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, एकदम चार्ट वाइज तुम्हें बता देता हूं तब समझ में आ जाएगा। देखो यहां से देखो, आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, सुन ध्यान से। जैसे मान लो इतना काम रहा होगा, सपोज करो कितना काम है, 36 यूनिट, ऐसे समझो एकदम समझ में आ जाएगा, जिसको कंफ्यूजन है उसका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 36 दिन है, आपसे क्या कहा है, दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, मतलब काम यहां पे शुरू हो रहा है, दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया है, ए प्लस बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। आगे आपसे कह रहा है कि काम खत्म होने से, काम यहां खत्म हो रहा है तीन दिन पहले, मतलब यहां से मान लो तीन दिन पहले, ये तीन दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, बी ने। अच्छा, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था, ये काम करते चले आए, यहां पे बी ने कहा कि अब मैं नहीं करूंगा, बी ने काम लेफ्ट कर दिया, यानी कि इस जगह पे बी ने काम लेफ्ट कर दिया। अब बी ने काम लेफ्ट कर दिया तो इसकी जगह पे काम किया कौन होगा, केवल ए किया होगा कि नहीं किया होगा, केवल ए किया होगा कि नहीं किया होगा। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हुए चले आ रहे थे, जैसे ही काम खत्म होने वाला था उसके तीन दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि ए ने कितना दिन काम किया होगा, तीन दिन काम किया होगा, ए ने तीन दिन काम किया होगा। ए का एक दिन का काम कितना है, दो यूनिट है, ए का एक दिन का काम कितना है, दो यूनिट है, तो ए का तीन दिन का काम कितना हो जाएगा, छह यूनिट काम यहां पर समाप्त हो गया। टोटल काम कितना था आपके पास, टोटल काम था 36 यूनिट, टोटल काम कितना था 36 यूनिट, जिसमें से 6 यूनिट इधर पे ए ने कर दिया है, कितना दिन में, तीन दिन में, यानी कितना काम बचा है, तो 36 में से हम 6 घटा देंगे, यानी 30 काम अभी भी बचा हुआ है, यहां पे 30 काम अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है भैया, 30 काम अभी भी बचा हुआ है। इस 30 काम को कौन किया है, ए प्लस बी ने किया है, कौन किया है, ए प्लस बी ने किया है, यानी कि बताओ 30 काम को करने में ए और बी को कितना दिन लगा होगा, ए और बी दोनों मिलके दो और तीन मिलके पांच काम करते हैं, तो 30 काम को करने में उन्हें 5 × 30 6 दिन लगा होगा, कितना दिन लगा होगा, 6 दिन लगा होगा। आपसे पूछा है कि टोटल समय कितना लगा है, आपसे क्या पूछा है, कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ है,
तो 6 दिन यहां लगाए, 3 दिन यहां लगाए, तो 6 दिन और 3 दिन, ये 6 दिन और ये 3 दिन मिला के कितना हो गया, 9 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ होगा। ये एकदम बेसिक एकदम लॉजिकल मेथड है जो आपको बहुत अच्छे समझ में आऊगा। उधर में 36 में से 6 घटा रहा होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, लेकिन जब इस तरह से चार्ट बना के आप करते हो तो हमेशा की तरह एकदम दिमाग में घुसने लगते हैं चीजें। ठीक है भैया, ये पूरी कहानी थी इसकी। चलो अब देखते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे लगाया जा सकता है। देखो टोटल काम है 36 यूनिट, टोटल काम है 36 यूनिट, ठीक है, टोटल काम कितना है 36 यूनिट है। अब कह रहा है कि 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अब बताओ तुम मान लो काम करवा रहे हो, है ना भैया, और आपका काम खत्म ही होने वाला है कि कोई नौटंकी करे, कहे हम 3 दिन पहले जा रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे, 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा और कई काम छोड़ के जा रहा है, तो तुम क्या कहोगे, तुम्हारी इतनी औकात तुम काम छोड़ के चले जाओगे, तुम उसको काम छोड़ के जाने से मना करोगे, मतलब उसको काम छोड़ के नहीं जाने दोगे। जब कार्य समाप्ति से पहले की बात करेगा, किसका पहले की बात करेगा, तो जो काम छोड़ के जाता उसको भगाते नहीं, उससे जबरदस्ती काम करवाते हैं। अगर सवाल में पहले दिया हो तो उससे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, अगर सवाल में बाद दिया हो तो उसको लात मार के भगा दिया जाता है। कि जैसे मान लो कोई कहे 3 दिन बाद, काम शुरू होने के 3 दिन बाद कोई जा रहा है, तो जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है, काम शुरू ही हुआ है, 3 ही दिन तो हुआ है, तो जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है, बात समझे। लेकिन अगर कार्य समाप्त होने वाला है और उससे 3 दिन पहले कोई जा रहा है, तब तो नहीं जाने देंगे भैया, तब तो आपको पूरा काम करके जाना पड़ेगा। यानी बी जो है 3 दिन पहले जा रहा था, बी को 3 दिन का काम बिना किए नहीं जाने देंगे। अब बी का 1 दिन का काम कितना है, बी का 1 दिन का काम बताओ कितना है, 3 यूनिट, तो 3 दिन में 9 काम करेगा, जाने नहीं देंगे, मतलब इसके काम को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी ये क्या है, बी का 3 दिन का काम है, बी का 3 दिन का कार्य है, ये बी का 3 दिन का कार्य है भैया, बी का 3 दिन का कार्य है, इसको जाने नहीं देंगे, ठीक है ना, बी का 3 दिन का कार्य। बताओ टोटल काम कितना हो गया, बी 3 दिन का काम छोड़ के जा रहा था, आपने जाने नहीं दिया, उससे जबरदस्ती काम करवा लिया, यानी कि 36 काम पहले था, 9 काम बी ने किया, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 45 काम हो गया, 45 काम। अच्छा इसको करेगा कौन, ए तो चुप मार के बैठा है, वो तो कहीं नहीं जा रहा था, बी जा रहा था तो उसको आपने जाने नहीं दिया, यानी कि इसको दोनों मिलके करने वाले हैं, बी जा रहा था आपने उसको जाने नहीं दिया, यानी टोटल काम आपके पास 45 यूनिट है, तो 45 यूनिट को दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलके मतलब 2 काम ये 3 काम ये, दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं, यानी कि 9 × 45 इन्हें 9 दिन लग जाएगा, तो इस तरह से भी आंसर निकल सकता है 9 दिन। ट्रिक की खास बात क्या है कि अगर सवाल में बाद वाला वर्ड दिया हो तो उसके काम को माइनस करना होता है, और अगर सवाल में पहले वाला वर्ड दिया हो तो उसके काम को प्लस किया जाता है, यह ट्रिक की खास बात है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई कहे कि 2 दिन बाद काम छोड़ के, काम शुरू होने के 2 दिन बाद कोई काम छोड़ के जा रहा है, शुरू होने के बाद दिया हो तो उसके काम को हम करवाएंगे नहीं, उसके काम को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर मान लो कोई कहे कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले कोई जा रहा है, पहले कोई जा रहा है, तो उससे काम जबरदस्ती करवाएंगे, यानी उसके काम को प्लस करने वाले, बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों कहानी है, जैसे इसमें क्या दिया था कि 3 दिन पहले कोई जा रहा है तो उसके काम को हम प्लस करवा लेंगे। समझ में आ रहा है सभी को, जल्दी बताइए भैया, समझ में आ रहा है ना, यही लॉजिक लगता है, यही लॉजिकल सवाल होते हैं, इसी तरीके से लगाया जाता है। अगर आपसे पूछता कि शेष काम करने में कितना समय लगता, तो ये 9 दिन जो आता है ये पूरा समय आता है, क्या आता है, पूरा समय। अगर खाली सवाल में शेष कार्य पूछा होता तो उसमें से इस 3 दिन को माइनस कर देते, यानी कि तब उसे 6 दिन लगता, बात समझ में आ रही है। अगला सवाल देखो, ए बी सी एक काम को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद भी ए बी भी काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। सेम टू सेम सवाल है, डायरेक्ट हम ट्रिक से लगाने वाले हैं। देखो पहले आपको बेसिक बता देता हूं, ए 10, 20, 12 और सी 15, लस 60, यहां से पर डे यूनिट वर्क निकालेंगे कितना आएगा, 6, 5, 4, ठीक है भैया, ये आ गया यहां तक, ठीक है। अब देखो जो जो सवाल में कहा है वही वही काम कर दो, क्या कहा है सवाल में, सवाल में जैसे जैसे कहा, ट्रिक देखो चार्ट बना के आपको समझा देता हूं, यहां से देखो चार्ट बना के आपको समझा देता हूं कि टोटल काम आपके पास कितना है, यहां से देखो टोटल काम आपके पास कितना है,
टोटल काम कितना है 60 यूनिट, 60 यूनिट आपके पास टोटल काम है। ठीक है भैया, 60 यूनिट टोटल काम है। अब इसको चार्ट से समझ लो, यहां पे यहां देखो 60 यूनिट काम है। आपसे क्या कह रहा है कि तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने मतलब कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, ऐसा आपसे कहा है। ठीक है, आगे क्या कहा है, जो कहा है वही करते चले जाएंगे। आगे कहा है, पढ़ो आगे क्या कहा है। तो आगे आपसे कहा है कि काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, कौन, ए, यहां पे ए मिस हो गया है। काम खत्म होने के 5 दिन पहले, यहां पे लिखा तो हुआ है, लिखा तो है, ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम यहां खत्म हो रहा है, काम यहां खत्म हो रहा है, यहां से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले मतलब यहां, यहां पे ए ने कार्य लेफ्ट कर दिया। कौन कार्य लेफ्ट कर दिया, ए ने कार्य लेफ्ट कर दिया। काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अच्छे से समझो, देखो कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर ट्रिक तो बहुत आसान होती है लगाना, ट्रिक तो लगाना एकदम चुटकी की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट ही आपको सवाल बनाता है। ठीक है भैया, कह रहा है कि ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। ये 5 दिन पहले छोड़ा है, मतलब यहां से लेके यहां तक 5 दिन है, लेकिन इसके 2 दिन बाद क्या कह रहा है, 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, मतलब यहां पे, यहां पे कौन छोड़ दिया है, बी ने काम लेफ्ट कर दिया, यहां पे बी काम छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया भैया, यहां पे बी ने काम छोड़ दिया है। इस जगह पे देखो ध्यान से, इस जगह पे बी ने कार्य को लेफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब पूरा टाइम इंटरवल जरा लिख लो, टाइम इंटरवल जरा लिखो, यहां पे कितने दिन का समय है, यहां पे बताओ, ये 5 दिन पहले छोड़ा और ये 2 दिन बाद छोड़ा है, यानी ये कितना दिन का टाइम इंटरवल है, तो ये 2 दिन का है। कितना दिन का है, 2 दिन का है, ये कितने दिन का है, ये 2 दिन का है, ये 2 दिन का है, और ये कितने दिन का हुआ फिर। अच्छा बताओ, यहां से लेके यहां तक 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है, 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है, जिसमें से 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है, तो बी के छोड़ने का कितना दिन हुआ, यहां से यहां का समय कितना दिन हुआ, 3 दिन हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, 3 दिन हुआ कि नहीं हुआ, ये इसका समय कितना है, 3 दिन का है। ये पूरा बन गया, टाइम इंटरवल हमने पूरा बना दिया है। बताओ अगर ये समझ में आ गया तो सवाल पूरी तरह से समझ में आपको आ जाएगा भैया, सवाल में और कुछ नहीं दिया है, बस इतना समझना जरूरी है। देखो फिर से समझा रहा हूं, देखो ए बी सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, काम यहां खत्म हो रहा है, काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, ऐसा आपसे कहा है। तो काम यहां खत्म हो रहा है, 5 दिन पहले ए ने ड्रॉप किया है काम, तो ए यहां पे ड्रॉप करेगा, ए ने ड्रॉप कर दिया, ए के ड्रॉप करने के 2 दिन बाद बी ने काम को लेफ्ट किया है, तो बी यहां से 2 दिन बाद बी ने काम लेफ्ट किया है, तो ये वाला टाइम इंटरवल 2 दिन का है। यहां से यहां का टाइम इंटरवल 5 दिन का था, जिसमें से ये वाला दिन 2 का है, तो ये वाला दिन 3 का होगा। अब बस सवाल लिख दो। चलो यहां से देखो, तीनों ने काम शुरू किया था ए बी सी ने, ठीक है। अब पहले ए छोड़ दिया, पहले ए अगर छोड़ा है मेरे भाई, तो आप बताओ कि इसके लिए कौन बचा होगा, यहां से यहां के बीच में कौन बचा होगा, तो आप कहोगे बी प्लस सी बचा होगा। बताओ बी प्लस सी बचा होगा कि नहीं बचा होगा, जल्दी बताओ बी प्लस सी बचा होगा कि नहीं बचा होगा, यहां पर बी प्लस सी रहा होगा। देखो नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहां पर अच्छे से समझा देता हूं, यहां पर समझो, यहां पे समझो। देखो पहले तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए बी सी ने, ठीक है। यहां पे आपको ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम यहां पे छोड़ दिया, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी ने यहां पे काम लेफ्ट कर दिया, यानी ये वाला टाइम इंटरवल कितने का हुआ, ये वाला टाइम इंटरवल कितने का हुआ, तो 2 दिन का हुआ, ठीक है। और ये वाला टाइम इंटरवल कितने का हुआ, जो यहां पे काम खत्म हो रहा है, तो ये टाइम इंटरवल 3 दिन का हुआ, ठीक है ना भैया। ये 3 दिन का टाइम इंटरवल है और ये 2 दिन का टाइम इंटरवल है। अब आगे बढ़ते हैं, यही कहानी है। अब आगे देखो, यानी कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया था, सबसे पहले ए ने काम को ड्रॉप किया, अगर ए ने काम को ड्रॉप किया होगा तो बी प्लस सी बचे होंगे, फिर यहां पे कुछ देर तक चला, यहां पहुंचने के बाद बी ने फिर छोड़ दिया, यानी यहां पर खाली सी बचा होगा,
बताओ यही ना होगा। देखो ए बी सी तीनों ने काम शुरू किया, सबसे पहले ए ने छोड़ा होगा तो बी प्लस सी बचे होंगे, फिर दो दिन काम चला, फिर बी ने भी छोड़ दिया यानी खाली सी बचा होगा। अब इनका समय और इनका काम लिखते हैं। देखो सी ने कितना दिन काम किया है, तीन दिन। सी का एक दिन का काम कितना है, चार यूनिट, तो तीन दिन में कितना काम करेगा, 12 यूनिट सी ने किया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से देखो, ये सी ने तीन दिन तक काम किया तो कितना काम किया, 12 यूनिट सी ने किया होगा, 12 यूनिट सी ने किया होगा। देखो सी का एक दिन का काम कितना है, चार यूनिट है, चार यूनिट है, तो सी ने तीन दिन तक काम किया है तो चार थी 12 यूनिट सी ने किया होगा। यहां पे बी प्लस सी ने दो दिन काम किया है, बी प्लस सी दो दिन, बी प्लस सी ये दोनों मिलके पांच चार नौ, दो दिन में कितना काम किया, 18 काम किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो पांच चार नौ, एक दिन में नौ काम, तो दो दिन में 18 काम, बी और सी ने मिलकर 18 काम किया होगा। यहां पे कितना काम बचा, शेष काम बताओ, शेष काम। देखो टोटल 60 था, 60 में से 18 निकल गया और 12 निकल गया, यानी कितना बचा, 60 में से 18 12 निकल गया तो कितना बचा, 18 और 12 मिलकर कितने होते हैं, 30 होते हैं, यानी 30 काम अभी भी बचा हुआ है, 30 यूनिट का काम अभी भी शेष है। इस 30 यूनिट को काम को कितने लोगों ने किया होगा, तीनों लोगों ने मिलकर किया होगा, यानी A प्लस B प्लस C तीनों ने मिलकर किया होगा, तो 30 बटे में A प्लस B प्लस C तीनों का मिला के 6 5 11 4 15 15 के हिसाब से किया होगा, मतलब इनको दो दिन का समय लगा होगा। आपसे क्या पूछा है, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा, पूरा समय आपसे पूछा है, पूरा समय, पूरा समय दो दिन यहां वाला, दो दिन यहां वाला, तीन दिन यहां वाला, कुल मिलाकर कितना दिन हो गया, दो दो चार, चार तीन सात, यानी कि सात दिन का टोटल समय रहा होगा। टोटल टाइम आपसे पूछा था टीटी, जो कि सात दिन आएगा। ये बेसिक समझाया हूं, ये सवाल का बेसिक है, इसलिए इतना समय लेके आपको समझा रहा हूं, लगाने में तो बहुत जल्दी लगेगा, ठीक है ना, इसी को लगाने जाएंगे तो बेसिक से भी बहुत जल्दी लग जाएगा, लेकिन हम इसको शानदार से ट्रिक से भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले बेसिक से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है आपके लिए, ठीक है ना भैया, बेसिक से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहां पे मैं समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले पांच दिन पहले ए ने छोड़ा होगा, उसके दो दिन बाद बी ने छोड़ा होगा, ये नीचे वाली चीज बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ए बी सी काम ने शुरू किया था, पहले ए ने ड्रॉप किया होगा, ए ने ड्रॉप कर दिया यहां पे, फिर बी और सी बचे होंगे, फिर दो दिन तक ये काम किए होंगे, फिर बी ने भी छोड़ दिया, खाली सी बचा होगा, सी ने बाकी के तीन दिन काम किए हुए, सी तीन दिन काम करता है तो 12 काम करता है, बी और सी दो दिन काम करते हैं तो बी और सी पांच चार नौ मिलके 18 काम करते हैं, टोटल 60 था, 12 काम इधर हो गया, 18 काम इधर हो गया, 30 काम अभी बचा है, इसको तीनों ने मिलकर किया होगा, तीनों मतलब कौन, ए बी सी तीनों मिलके, तो 6 5 11 4 15 के हिसाब से दो दिन इनको लग गया होगा। तो टोटल समय आपसे पूछा है, दो दिन यहां का, तीन दिन यहां का, मिला के सात दिन। ये तो रही आपकी बेसिक वाली कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक सुनो डायरेक्ट लगाने की, यहां से समझो, ट्रिक बता रहा हूं आपको डायरेक्ट लगाने की, वो देखो डायरेक्ट कैसे लगाना है। अरे रफ हो जा भाई, चलो ट्रिक देखो डायरेक्ट लगाने की, सुनो ध्यान से। टोटल काम है 60 यूनिट, सवाल में क्या बोला है कि काम छोड़ने के, यहां से क्या बोला है, काम खत्म होने के पहले, पहले वाला सवाल है यानी माइनस करना है, पहले वाला सवाल है यानी प्लस करना है, पहले वाले सवाल में काम खत्म होने के पहले तो उनको जाने नहीं देना, उनसे काम करवाना है, ठीक है। चलो ए भाग रहा है पांच दिन पहले, तो ए का पांच दिन का काम 6 5 30, देखो ए भाग रहा है पांच दिन पहले, कितना दिन पहले, पांच दिन पहले ए जा रहा है, ए का एक दिन का काम है 6, तो पांच दिन का काम, पांच दिन का काम 6 5 30 यूनिट, ये ए का पांच दिन का काम है, ए का पांच दिन का काम। अच्छा उसके बाद बी ने छोड़ा है, उसके बाद कौन छोड़ा है, बी ने छोड़ा है, लेकिन उसके दो दिन बाद, यानी काम खत्म होने के कितना दिन पहले, देखो पांच दिन पहले ए ने ड्रॉप किया और उसके दो दिन बाद बी ने ड्रॉप किया, मतलब बी काम खत्म होने के कितना दिन पहले ड्रॉप किया होगा, काम खत्म होने के तीन दिन पहले, तो तीन दिन पहले बी भी भाग रहा था, तो बी को भी पकड़ के लाओ, बी को भी पकड़ के लाओ, तीन दिन का काम, बी का एक दिन का काम कितना है, पांच यूनिट, तो तीन दिन का काम 15 यूनिट, ये बी का तीन दिन का काम है, बी का 3 डे का काम है, ठीक है ना, ये बी का काम हो गया, सबको जोड़ दो, ये कितना आ गया 105।
अच्छा बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है टोटल 105 यूनिट जो काम आया, इसमें कौन कौन है? देखो भैया सी तो कुछ नाम ही नहीं लिया जाने होने भागने होने का, तो सी तो है ही है। ए भाग रहा था तो आपने उसके काम को जाने नहीं दिया, उससे करवाया है। बी भाग रहा था तो उसको भी जाने नहीं दिया, उससे करवाया है। यानी कि इस तीनों काम को तीनों मिलकर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे। तीनों मिला के टोटल कितना बनता है? 6, 5, 11, 11, 4, 15 के हिसाब से 15, 7, 105 दिन, 7 दिन का टोटल समय लगेगा। और यही आपसे पूछा था 7 दिन। बात समझ में आई? यही आपसे पूछा था 7 दिन। मजा आ रहा है भैया? देखो ट्रिक जो होती है तो तुरंत लग जाती है, तुरंत लग जाएगी ट्रिक। ट्रिक तो मैं आपको तुरंत खाली ट्रिक से बताना हो तो 30 सेकंड में नहीं लगेगा सवाल लगाने में। लेकिन कॉन्सेप्ट भी सीखो, ट्रिक भी सीखो, हर तरह की चीज सीखी जाती है, खाली ट्रिक ही ट्रिक नहीं सीखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सवाल अब आप लगा लेंगे। अगला देखो क्या बोला, सेम टू सेम। अब इसी को डायरेक्ट ट्रिक से बताएंगे या फिर देख लेते कैसे बताना है। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए कर रहा है 20 दिन, बी कर रहा है 30 दिन। एलसीएम बताओ, 20 और 30 का लसा 60, ये आ गया 3, ये आ गया 2। यहां तक तो आपके लिए हमेशा से करना है सबके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या बोला है, जो जैसा बोला है आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। यदि ए ने शेष कार्य को 10 दिनों में खत्म करता है तो बी कितना दिन काम किया होगा? अच्छा बताओ टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। शेष काम को ए ने 10 दिन काम किया, मतलब लास्ट के 10 दिन तक ए ने काम किया है, लास्ट के 10 दिन तक ए ने काम किया है। आवाज आ रही ना? वॉइस इज ऑडिबल, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। ए ने क्या है, 10 दिन तक काम किया है। एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो ए ने 10 दिन तक काम किया है लास्ट के। देखो ऐसे समझा रहा हूं, ज्यादा समझ में आएगा। यहां देखो ये पूरा काम है, दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन तक काम किया, लेकिन ए ने लास्ट के 10 दिन तक काम किया है। ए ने अगर लास्ट के 10 दिन तक काम किया होगा, ए एक दिन में करता है 3 काम, तो लास्ट के 10 दिन में 30 काम किया होगा। ये 30 काम ए ने कर दिया, कितना काम बचा? शेष कितना काम बचा जरा बताओ, कितना काम बचा? यहां से आप कहोगे सर टोटल काम था 60, जिसमें से 30 काम लास्ट के ए ने किया है, यानी कि 30 काम अभी भी बचा हुआ। इसको कौन किया? दोनों ने मिलकर। यानी कि इस 30 काम को ए प्लस बी दोनों ने मिलकर, ए प्लस बी की एफिशिएंसी बताओ, 30 काम को ए और बी दोनों मिलकर 3-2 मिलकर 5 के हिसाब से 6 दिन काम किए होंगे। आपसे क्या पूछा है, बी ने कितने दिनों तक काम किया था या बी कितने दिनों के बाद काम छोड़ा होगा? तो बी ने 6 दिनों के बाद काम छोड़ा होगा। यहां पे बी लेफ्ट किया था काम, यानी बी ने स्टार्टिंग से 6 दिन तक काम किया होगा। 6 दिन इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? एकदम वैसा का वैसा सवाल है। देखो भैया टोटल काम है 60 यूनिट, उसमें से ए का 10 दिन काम किया, ए का 10 दिन का काम निकाल दो, बस जो काम आएगा उसको ए प्लस बी से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। एकदम इजी सा सवाल है। अगला देखो, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्टिंग टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर फ्यू डेज एंड बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, हाउ मेनी डेज दे डिड ए लीव द वर्क? सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम सवाल है। यहां से देखो, यहां से देखो, ए बी कितना 45 डेज एंड 40 डेज, एलसीएम कितना आएगा 360 आएगा, 360 आया, यानी इसका आया 8, इसका आया 9, 4×9=36 पर यूनिट वर्क, 360 आया लस, तो इसका 9 इसका 8 ये बन गया यहां से। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, एक कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। सेम टू सेम सवाल है, कुछ भी बदलाव नहीं है सवाल में। यहां से देखो, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया, यहां पे ए कार्य लेफ्ट कर दिया है, यानी कि कौन बचा होगा? बी। बी ने शेष काम को बी ने 23 दिन में खत्म करता है, बी शेष काम को 23 दिन में खत्म करता है, 23 दिन में बी ने खत्म किया 23 दिन। अच्छा बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में करता है 9 काम, बी एक दिन में कितना काम करता है? 9 काम। तो बी ने 23 दिन तक काम किया होगा, तो कितना काम करेगा? 9 × 27 को 7, 9 × 18 = 30, मतलब 207 यूनिट काम किया है। 207 यूनिट काम इसने किया है, शेष काम कितना बचा? रिमेनिंग 360 में से 207 घटा दो, 153 काम अभी भी बचा हुआ है, 153 यूनिट काम बचा हुआ है, 153 यूनिट काम बचा हुआ है। ये शेष काम है आपका, 153 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। इस 153 यूनिट काम को कौन करेगा? इस 153 यूनिट काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, यानी 153
बटे में ए और बी दोनों मिलकर 9 और 8 मिलकर 17 होता है, 17 के हिसाब से 17 नवा 153 9 दिन लगेंगे इनको करने में। आपसे क्या बोला है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, यानी 9 दिन आ रहा है, 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया था, तो इस सवाल का आंसर बनेगा 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ा था। बात समझ में आ रही है, 9 दिन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? देखो ऐसे ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम इजी वे में लगाओ, कोई समस्या नहीं है। चलिए, ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क 30 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, आफ्टर दैट बी लीव्स द वर्क, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओह माय गॉड, देयर इज अ मिस्टेक। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, वे 20 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को ए बी अकेले 20 दिनों में पूरा करता है। ये वाली लाइन तो अंग्रेजी में लिखी नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी को मत ध्यान दो, हिंदी को ध्यान दो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए कंप्लीट द वर्क, ए कंप्लीट द वर्क, ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, देन आपसे पूरा वर्क पूछा है, यही आपसे पूछा है। चलो देखते हैं, शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है, ऐसा सवाल में अंग्रेजी वाले मैंने लिखा, हिंदी वाले में लिखा, हिंदी वाला सही है। चलो देखो ध्यान से, ए और बी ना, इस बार तो दोनों का दिया है, ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 दिन में काम को पूरा करते हैं। कितने दिन में काम को पूरा करते हैं? 30 दिनों में काम को पूरा करते हैं। कह रहा है कि वो 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। देखो टोटल काम जो है वो 30 दिनों में हो जाता है, टोटल काम जो है वो 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उन्होंने 20 दिन तक साथ में काम किया, 20 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया, उसके बाद कहा कि बी मैं नहीं करूंगा, बी ने काम को लेफ्ट कर दिया। शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में पूरा किया, ठीक है, शेष काम को जो ए नाम का बंदा था वो अकेले 20 दिनों में पूरा किया। यहां से देखो, देखो ये टोटल काम है जो कि 30 दिनों में पूरा होना है, कितने दिनों में? अगर ए प्लस बी करते हैं तो 30 दिन का समय लगता है, लेकिन इन्होंने खाली 20 दिन तक काम किया, मतलब इन्होंने खाली 20 दिन तक यहां तक काम किया, अभी भी इनका काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है? तो आपको हो गया सर ए प्लस बी का 10 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? आप बताओ, ए और बी करते तो 30 दिन में होता, यानी ए और बी ने खाली 20 दिन काम किया है, मतलब अभी भी 10 दिन का काम इनका बचा हुआ है, 10 दिन का काम बचा हुआ है। उस बचे हुए काम को बी ने छोड़ दिया, तो शेष काम को ए ने 20 दिन में पूरा कर दिया, मतलब ये जो ए प्लस बी का 10 दिन का शेष काम था, इसी को ए ने अकेले 20 दिन में पूरा कर दिया, यही तो कहानी है। अगर ये समझ गया तो फिर आंसर आ गया। बताओ बताओ बताओ, इंटरेस्टिंग बना कि नहीं ये लाइन? जल्दी देखो, यहां से देखो, ए और बी ने 10 दिन तक काम करते तो पूरा काम हो जाता, यही है उनका शेष काम, जो ए और बी का 10 दिन का काम बचा है उसी को ए ने 20 दिन में पूरा किया है। यहां से इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी 10A प्लस में 10B, एक काम करो जीरो जीरो उड़ा दो, जीरो से जीरो कट गया, तो ए प्लस बी बराबर 2A, यहां से ए बराबर बी, तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए बटे बी की एफिशिएंसी 1/1, ठीक है ना, ए बी की एफिशिएंसी 1/1 आ गई। टोटल काम निकाल लो यहां से, टोटल काम, टोटल वर्क, टोटल वर्क आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में पूरा काम करते हैं और उनकी एफिशिएंसी एक इसकी है एक इसकी है, यानी दो की एफिशिएंसी है, तो 2 × 30 दिन, यानी मिला के टोटल वर्क कितना आ गया? 60 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ गया? 60 यूनिट आ गया भैया। इस तरह से आप टोटल वर्क निकालेंगे, जैसे इनकी एफिशिएंसी एक और एक की आई है, तो एक और एक मिलके कितना होता है? 2, 2 की एफिशिएंसी है, 30 दिन में काम करते हैं, मतलब एक दिन में ए एक काम करता है, एक दिन में बी एक काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 2 काम करते हैं, तो 30 दिन में टोटल कितना काम करते होंगे? 60 काम, ये इनका टोटल है, टोटल है। आपसे क्या बोला है कि ए का काम बताना है, ए का, ए का, ए अकेले कितने दिनों में करेगा, ए का समय आपसे पूछा है, ए की एफिशिएंसी है एक और टोटल काम है 60, तो 60/1 के हिसाब से काम करेगा, यानी उसको 60 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? 60 दिन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा सवाल है भैया,
इंटरेस्टिंग है। देखो ए और बी मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि दोनों ने 20 दिन तक काम किया, यानी कि इनके 10 दिन का काम बचा हुआ था, उसके बाद बी ने छोड़ दिया, तो इस काम को अकेले ए ने कंप्लीट किया 20 दिन में, तो इनके 10 दिन का काम ही ए के 20 दिन के काम के बराबर है। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी 1 और 1 की आ जाएगी, यानी ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में दो काम करता है। तो टोटल काम हम निकाल सकते हैं कैसे, दोनों का मिला के टोटल दिन दिया हुआ है 30, 30 दिन में दोनों किसी काम को करते हैं, जिसमें से एक काम ए करता है एक काम बी करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में दो काम करते हैं, तो 30 दिन में टोटल मिला के 60 काम करते हैं। तो टोटल काम करने को जो था वो 60 था, लेकिन ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में एक काम करता है, आपसे खाली ए का समय पूछा था, तो 60 बटे में इसका एक दिन की एफिशिएंसी के हिसाब से 60 दिन लग जाएगा। अगला देखो, ए बी सी ने काम को 6, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/8 काम खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है, शेष काम ए और बी पूरा करते हैं, तो शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, देखते हैं। ए बी सी तीन लोग हैं, ये 6 दिन, ये 12 दिन और ये 15 दिन, एलसीएम बताओ 60 आया, ठीक है, ठीक है ना, यहां से बताओ कितना आएगा, 6 × 10 और ये 12 × 5 और ये 15 × 4। आपसे क्या बोला, 1/8 काम खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। अच्छा बताओ 60 का 1/8 कितना होगा, 60 का 1/8 निकालेंगे कितना आएगा, तो कितना आएगा, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, 7.5। 7.5 काम खत्म होने के बाद, 7.5 काम खत्म होने के बाद कौन छोड़ दिया, सी ने छोड़ दिया, मतलब इस 60 काम में से 7.5 काम घटा दो, कितना बचा 5 दशमलव में, यहां पे आया कितना 9 बचा था, तो यहां पे आया 2 और यहां पे आया 5, 52.25 काम बचा हुआ है। अब इस काम को करने के लिए सी ने छोड़ दिया, तो ए और बी पूरा करते हैं, तो ए और बी 52 को ए प्लस बी करेंगे, इस 52.5 काम को, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 15 है, तो 15 के हिसाब से इन्हें कितना दिन लगेगा, 15 के हिसाब से तो ये आ जाएगा 525/150, ठीक है। अब यहां से डेसिमल डेसिमल 25 से काट दो, 25 × 50 है ना, और 25 × 50 25 × 50 25 से कम 50, और ये 25 × 6 = 6 सही, यानी कि 6 सही कितना आ जाएगा, इसको और काट दो 3 से काट दो, तो 3 × 7 = 3 × 2 = 7, मतलब 3 सही 1/2 दिन लग जाएगा, 3 सही 1/2 दिन, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखो इजी सवाल है, बाकी कुछ नहीं दिया भाई, सेम टू सेम। अब देखो ए बी सी के लिए दिया हुआ है समय, दिया हुआ है 6 दिन 12 दिन 15 दिन, ठीक है ना। एक बार अब पहले ये काम तो आप आसानी से करते हो, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, कह रहा कि 1/8 भाग खत्म होने के बाद, तो 1/8 60 का 1/8 निकालेंगे 7.5 आता है, 7.5 काम इसमें से घटा देंगे, तो कितना काम बचा, 52.5 काम बचा हुआ है। अब उसके बाद सी काम छोड़ देता है, तो इस काम को ए और बी करेंगे, तो ए और बी 52.5 के हिसाब से, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 10 और 5 की, यानी ए और बी 15 के हिसाब से इस काम को करेंगे, तो 52.5 काम को अगर 15 के हिसाब से करते हैं, तो उनका सही आंसर आता है 3 सही 1/2 दिन, मतलब उन्हें 3.5 दिन लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस पैटर्न के बहुत सारे सवाल हैं और आप लगा लेंगे आसानी से। जैसे देखो अगला सवाल देख क्या दिया हुआ है, 40 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले टोटल काम निकालो, टोटल वर्क, TW माने टोटल वर्क, 40 पुरुष 18 दिन, 40 × 8 = 72, 720 काम। देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है चार्ट से लगाओ, एकदम शानदार तरीके से लगेगा, ठीक है। अब यहां से देखो कैसे लगाना है चार्ट से, समझो टोटल काम आपके पास 720 यूनिट का है, ठीक है ना। अब यहां से समझो, कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 8 दिन बाद 10 पुरुष और आ जाते हैं। अच्छा काम कितने लोगों ने शुरू किया होगा, 40 लोगों ने, तो 40 लोगों ने काम शुरू किया, 40 लोगों ने काम शुरू किया, 40 लोगों ने काम शुरू किया होगा। कह रहा है कि 18 दिनों में काम शुरू, ये मतलब 720 यूनिट। देखो 40 पुरुष 18 दिन में काम करते हैं, तो कितना टोटल काम आ जाएगा, 40 × 18 720 यूनिट, 720 यूनिट, 40 × 18 कर दिया, 720 यूनिट टोटल काम है, ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 8 दिन बाद, मतलब 40 लोगों ने काम शुरू किया, 8 दिन के बाद 10 पुरुष और आ जाते हैं, यानी 40 लोगों ने 8 दिन तक तो काम किया होगा कि नहीं किया होगा,
आठ इसके बाद ना 10 पुरुष और आए हैं, इसके बाद ना 10 लोग और आए हैं, यानी कि 40 लोगों ने 8 दिन तक काम किया होगा। 40 लोगों ने अगर 8 दिन तक काम किया होगा तो 8 चौको 32 कितना काम कर दिया, 40 गुणे 8 यानी कि 320 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। तो कितना काम बचा है अभी भी, यहां से बताओ शेष कार्य। अच्छा आपके पास टोटल काम कितना था, 720 यूनिट, जिसमें से 320 यूनिट काम इन्होंने कर दिया, तो कितना काम बचा है, 400 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है ना। 720 में से 320 निकाल देंगे तो 400 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है। 10 लोग और आ गए हैं। अच्छा 10 लोग और आ गए तो अब कितने पर्सन हो गए हैं, 50 पर्सन हो गए हैं। कितने पर्सन हो गए हैं, 50 पर्सन हो गए। तो अब 50 पर्सन इस 400 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे, यही आपसे पूछा है। तो यहां से देखो 400 काम को 50 लोग के हिसाब से करवाना है, जीरो से जीरो कट गया, 8 दिन लगेगा भैया। कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। आपसे क्या, 10 पुरुष और शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। एकदम इजी है, ये भी वैसा का वैसा ही पैटर्न का सवाल है, उसी तरह से बनता है ये भी सवाल, इसमें कुछ अलग नहीं दिया रहता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 आदमी 18 दिन, तो 20 गुणे 18, 18 दुनी के 360 यूनिट टोटल काम आ गया। ये क्या है 360, तो ये टोटल वर्क है, TW माने टोटल वर्क है। अब यहां से समझो, कह रहा है कि वो 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो 360 यूनिट काम था, 3 दिनों तक साथ में काम किया, कितने लोगों ने, 20 लोगों ने, 20 लोगों ने अगर 3 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम करेंगे, 60 काम करेंगे। देखो ये कैसे आया, 20 लोगों ने 3 दिन तक काम किया है तो 60 काम आ गया। ठीक है 60 काम इन्होंने कर दिया, तो इसको घटा दो, 300 काम बचा है। 300 काम अभी कैसा काम है, शेष काम है। ठीक है ना, 300 काम अभी कैसा काम है, शेष काम है, 300 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि 5 आदमी और आ जाते हैं, तो पहले कितने आदमी थे, पहले देखो कितने आदमी थे, पहले 20 आदमी थे, 5 आदमी और आ गए तो अब कितने आदमी हो गए, तो अब 25 आदमी हो गए, तो इस 300 काम को 25 आदमी करेंगे, तो 25 से कम 25, 25 छका 150, यानी कि 16 दिन लगेगा इनको शेष काम को पूरा करने में। आपसे क्या पूछा है, तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 16 दिनों में समाप्त हो जाएगा। 16 दिन, 25 से कम 25, अरे नहीं नहीं 16 कहां से आएगा यार, यहां से देखो 300 काम बचा हुआ है, 25 5 आदमी और आएगा, 25 हो गया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 12 दिन और चलेगा। ठीक है ना, कितना दिन चलेगा, 12 दिन और चलेगा, 12 दिन इज द राइट आंसर। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, 45 आदमी 16 दिन, तो TW निकाल दो, टोटल काम 45 गुणे में 16, 16 पचे 80, 16 चौक 72, यानी कि कितना आ गया, 720। पहाड़े पे मत जाओ, डायरेक्ट आंसर में लिख देता हूँ कभी कभी। यहाँ से देखो 16 पचे 80 को 0 और 16 चौक 64, 64 8 72, ठीक है ना, इसलिए 720 यूनिट। कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 4 दिनों के पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं। यहां से देखो 720 काम था, क्या कह रहा है कि 4 दिन पश्चात, मतलब 4 दिन तक इन्होंने काम किया होगा, तो 4 दिन में 45 लोगों ने 4 दिन काम किया, 45 लोगों ने 4 दिन काम किया, तो 45 चौक को 180, 180 यूनिट काम 45 लोगों ने 4 दिन तक किया। कितना काम बचा, शेष काम बताओ, शेष काम बताओ कितना काम बचा। यहां से 0 और 18 चौक 54, यानी कि कितना आ गया, 540 काम अभी भी बचा हुआ है। अब इस 540 काम को कितने लोग करेंगे, तो आपसे कह रहा है कि 36 आदमी और आ जाते हैं, पहले 45 थे अब 36 और आ गए, यानी कि इसको करने के लिए पहले 45 थे अब 36 और आ गए, तो कितना हो जाएगा, देखो 540 बटे में 81 बटे में 81 81 लोग करेंगे अब इस काम को, तो 81 से भाग कर दो, कितना बार जाएगा, 9 से काट दो, 9 6 54, 9 से काट दो, 99 81। ठीक है अब 9 से तो डायरेक्ट फिर 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 से 20 बार, 3 से 3 बार, यानी कि 6 सही 2 बटे में 3 दिन, 6 सही 2 बटे में 3 दिन लगने वाला है इनको पूरा समय। बात समझ में आ रही भैया,
6 से ही 2/3 दिन इनको लगेगा पूरा समय, तो आपने यहां पे इसका आंसर लगा लिया। ठीक है भैया, तो यहां पे आज आपने जो सीखा ये शायद आज का लास्ट सवाल है, हाँ आज का ये लास्ट सवाल है, फिर अगली क्लास है। तो आज जो आपने यहाँ पे सीखा, आप आपने सीखा है भैया कि कैसे लिविंग वर्क या रिमेनिंग वर्क के सवाल लगाए जाते हैं, वो आज आपने यहाँ पे सीख लिया कि कैसे लिविंग वर्क और लिविंग रिमेनिंग वर्क के सवाल लगाए जाते हैं, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे सिखा दिया। ये एक टाइप का सवाल था, अभी सिर्फ ये दूसरा टाइप है टाइम एंड वर्क का। इस तरह से टाइम एंड वर्क की बहुत सारी क्लासेस आएंगी। देखो हम दिल से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, अच्छे सवाल बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ट्रिक क्लियर करते हैं। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, हमारा उद्देश्य है कि हर किसी को, जिसको कुछ नहीं आता वो भी बहुत कुछ सीखे, और जिसको आता है वो अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करे ताकि उसकी तैयारी अच्छी हो सके, उसे लगे कि हाँ हमें ये पढ़ने से कुछ फायदा होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप जरूर शेयर करिया करिए, ये आपका परम धर्म है, क्योंकि आपसे फीस नहीं लेते, YouTube पे फ्री में पढ़ाते हैं, तो आप जरूर एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिया करिए, ठीक है ना, और लाइक कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे थे। ठीक है, मिलते हैं कल, आज की क्लास में इतना बहुत है, थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।